हेलो गाइस, 4 अप्रैल का जो क्वेश्चन पेपर था, सेकंड सेशन जो था हमारा जेई मेन का, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन लेते हैं। यूजुअली कई बच्चों को स्टैटिस्टिक्स कम्फर्टेबल नहीं लगता है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट नो आपका क्या लगता है, लेकिन अब तो आ ही रहा है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ तक कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने लगा है। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो बच्चे ले रहे हैं स्कूल लेवल पे, उनको भी अच्छा खासा स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसका। इसके अलावा कैट के एग्ज़ाम में भी स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, जैट के एग्ज़ाम में भी आ रहा है, IIT JEE में आ रहा है, मेन में आ रहा है, एडवांस में आ रहा है। सो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक सीरीज दे रखी है -4, -7 -6 अल्फा बीटा, ये कुछ नंबर्स हैं जिनका मीन दे रखा है 2, वेरिएंस दे रखा है 23, ठीक है। और आपको फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीन डेविएशन फाइंड करना है मीन से। तो सबसे पहले तो मीन दे रखा है 2, क्योंकि जब तक अल्फा और बीटा नहीं आते थे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं, -3 +4 +7 -6 + α + β / 6, 6 आइटम है जिनका मीन है 2। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, और ये नंबर लेता हूँ, 4 + 7 = 11 तो प्लस का, और 6 और 3 9 माइनस का, तो फाइनली प्लस का 2 बचा = 12। तो अल्फा और बीटा का जो टोटल है वो मेरा 10 आ रहा है। ये तो हो गई एक चीज। इसके बाद हम आते हैं वेरिएंस दे रखा है 23। वेरिएंस का मतलब होता है स्क्वायर्स का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर, ऐसा आप याद रख ले तो बेहतर होगा। तो वेरिएंस होता है हमारा स्क्वायर्स का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर। तो यदि मैं इनका स्क्वायर करता जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 9, 16, 49, 36 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा स्क्वायर का एवरेज, एवरेज तो दे रखा है 2, तो एवरेज का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और वेरिएंस दे रखा है 23। तो मैं करता हूँ इन सबको सॉल्व, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 25 + 36 + 49, तो 25 + 36 + 49 मुझे मिलता है 110 होल डिवाइडेड बाय 6 = 27। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 110 = 27, 6 × 27 × 6 मेरे को मिलता है 162। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे को मिला 52, क्योंकि इसको हमने इधर ले लिया। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम 10 है और जिनके स्क्वायर्स का सम 52 है, तो बड़े आसानी से समझ आता है कि एक नंबर 6 होगा और दूसरा नंबर 4 होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का 16 और इन दोनों का टोटल होता है 52। तो इतने छोटे छोटे नंबर हैं कि आराम से मैनेज कर सकते थे हम। तो हमें अल्फा बीटा पता चल गया, बस अब एक ही काम बचा है हमको, क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन, वो भी कहाँ से निकालना है, मीन से। तो पहले मैं सारे नंबर लिख लेता हूँ, -3, 4, 7, -6, अल्फा को 6 ले लो, बीटा को 4 ले लो, है ना। अब जैसा कि आपको पता है मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन माइनस करेंगे सब में से, और मीन कितना है 2,
तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, तो यहाँ प्लस फाइव लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर डेविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। फोर माइनस टू टू, फाइव एट हो जाएगा यहाँ पर। सिक्स माइनस टू फोर, फोर माइनस टू टू, अब इन सब का सम करेंगे तो पाँच और दो सात, और पाँच बारह, और आठ बीस, और चार चौबीस, और दो छब्बीस। तो समेशन डी अपॉन एन सिक्स, तो आ गया थर्टीन बाय थ्री। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, जेई के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल तो एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स मेरा एरिया है, मैं उसके क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ, और मेरे सेशंस भी आपको फिजिक्स और मैथ्स में मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। एक और क्वेश्चन देखिएगा जो फिजिक्स से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर किसी पॉइंट के पोजीशन का इक्वेशन दे रखा है, x इक्वल टू टी टू द पावर फोर प्लस सिक्स टी क्यू माइनस टू टी, जहाँ पर टाइम है टी, और आपको पूछा है एक्सेलरेशन की वैल्यू एट टी इक्वल टू फाइव। पाँच सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब ये पार्टिकल का मोमेंट इस तरह से हो रहा है। ये बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा आराम से जेई के अंदर आया है, तो हर एक को करना चाहिए था ऐसा क्वेश्चन। अब ये मेरा किसी पॉइंट का पोजीशन है, जहाँ पर एक्स उसका ये डिस्टेंस है। तो यदि मैं सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूँ, तो वेलोसिटी मेरा हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। ये मेरा हो जाएगा फोर टी टू प्लस एटीन टी स्क्वायर माइनस टू। और यदि मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूँ, तो वो मेरा हो जाएगा डी वी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा ट्वेल्व टी स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स टी। ये मेरा इसका जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट। अब मैं टी की जगह रखूँगा फाइव, तो ट्वेल्व इंटू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, थर्टी सिक्स इंटू फाइव, ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी फाइव हो जाएगा थ्री हंड्रेड, और थर्टी सिक्स फाइव का 180। तो फाइनली कितना आंसर आ गया 480। चलो फिजिक्स की बात चली ही है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो अभी आया था एग्जाम में। क्वेश्चन में ये दिया था कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के अंदर कनेक्शन तो आपको पता है, अब चेंज इन सेंटीग्रेड इज 40, चेंज इन फारेनहाइट कितना हो, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ मैं, वो कितना होगा ये पूछा है। ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज़ के टेम्परेचर में सेंटीग्रेड के अंदर चेंज 40 दे रखा है, फारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा। सीधा सा फार्मूला आप जानते हैं, सी अपॉन फाइव इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, बहुत सिंपल सा फार्मूला। तो डेल्टा सी, चेंज इन सी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा सी इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में डेल्टा एफ माइनस 30। तो चेंज की जब हम बात करेंगे, तो ये कांस्टेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल हमारा मतलब इससे रखना है आपको डेल्टा एफ। तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा सी इक्वल टू 5/9 टाइम्स डेल्टा एफ। डेल्टा सी क्वेश्चन में दे रखा है 40, क्योंकि चेंज इन सेंटीग्रेड 40 है, तो 5/9 डेल्टा एफ हमको फाइंड करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 40, 8×9=72। डेल्टा एफ मेरा आ गया 72। ये मेरा आंसर हो गया। तो आई होप ये बात समझ आई होगी आपको।
आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का एक और क्वेश्चन है, 2 to the power 1/5 +5 power 1/3 होल पावर 50। जब हम इसका एक्सपांशन करेंगे तो कितने टर्म्स ऐसे आएंगे जो रैशनल नंबर होंगे, बस इतना सा क्वेश्चन। तो अपन जो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1=NCR x^(n-r)a^r, है ना, ये हमारा x+a^n का जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो हमारे केस में ये बनेगा n की जगह 15 CR, x की जगह 2^(1/5)/15 r, 5^(1/3)/r। तो ये हो जाएगा 15 CR × 2^15 r/5। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 3 r/5 ऐसा मैं बोल सकता हूँ। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। और ये मेरा हो जाएगा 5^r/3। अब मुझे r का वैल्यू ऐसा लेना पड़ेगा जो 5 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि यदि डिविजिबल नहीं हुआ तो जो पावर है वो फ्रैक्शन में आएगी और पावर नंबर्स की फ्रैक्शन में आएगी, तो वो मेरा रैशनल नंबर नहीं बनता है, है ना। फॉर एग्जांपल यदि मैं r को 1 लेता हूँ तो 3 - 1/5, है ना, ऐसा बन जाएगा। तो LCM 5 लूँगा तो 14/5, तो 2^14/5 करता हूँ तो ऐसा नंबर रैशनल नहीं होता है, एंड आई एम लुकिंग फॉर रैशनल। तो मुझे ऐसे ही नंबर सर्च करना है r के जो 5 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। यहाँ भी तो r को 3 से डिविजिबल होना जरूरी है। तो आई होप मेरी बात समझ आ रही है। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जो 5 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल, ठीक है। तो एक तो मुझे दिख रहा है 0 लेता हूँ मैं, तो मुझे 0/5 0, यहाँ भी 0, एनीथिंग पावर 0 1, ये 2³ हो जाएगा और 15 CR तो मेरा रैशनल नंबर होगा ही। तो 0 पे एक तो मेरे को रैशनल नंबर मिलेगा। दूसरा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 15 सबसे छोटा नंबर, वो भी ले सकते हैं। तो एक मेरा हो गया r का वैल्यू 15 भी लेऊँगा तो चलेगा, है ना। क्या 30 चलेगा, क्या सोच के देखते हैं ना, 15 का मल्टीपल ही है ये। यदि मैं 13 लेता हूँ तो यह माइनस में आ जाएगा और 2^-3 हो जाएगा 1/2^3, और इस टाइप की पावर यदि 1/ वाली 2^ में आती है तो अगेन मेरा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा, रैशनल नहीं। यानी मुझे माइनस भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब मैं r का वैल्यू 15 से ज़्यादा ले ही नहीं सकता हूँ। तो बस ये दो वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, तो आंसर आ जाएगा 2। यही पूछा था कितने वैल्यू पॉसिबल है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है y = 2x²-3x + 8 whole divided by 2x² + 3x + 8। क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है प्लस जो मिनिमम वैल्यू है वो है m/n, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का टोटल है m/n, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर किसका m और n का है, 1। सो फाइंड m+n, तो आपको वैल्यू पूछी है किसकी, m+n। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो
ऐसे तो टाइम ज़्यादा लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो सब अपन करेंगे, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके टाइम बचा सकते हैं, तो वो मेरा हो जाएगा y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² + 3x + 8 - 6x होल डिवाइडेड बाय 2x² + 3x + 8, क्योंकि 3x - 6x वापस से -3x हो गया, तो y इक्वल टू मेरा बनेगा 1 - 6x / 2x² + 3x + 8 = 1 - 6 / इसे x को मैं डिवाइड कर दूँ नीचे ले जाके 2x + 3 / 8 तो मैं पहले 8 / x लिख देता, 3 बाद में लिख देता, चलेगा। अब कुल मिला करके मुझे इसका वैल्यू पता चल जाए मिनिमम और मैक्सिमम, तो मुझे y का भी वैल्यू पता चल जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करते हैं 2x + 8 / x, मैक्सिमा मिनिमा सबने पढ़ा होगा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 - 8 / x² और उसको जीरो करते हैं और सॉल्व करते हैं तो मेरे को x के दो वैल्यू मिलते हैं, तो +2 और -2, मतलब एक जगह डेफिनेटली मिनिमा आएगा और एक जगह मैक्सिमा आएगा। तो यदि मैं x को +2 लेता हूँ तो वो मैं यहाँ पुट कर दूँ, 2 * 2 = 4, 2 * 4 = 8, 4 + 4 = 8, 8 + 3 = 11, तो ये फाइनली आ गया 1 - 6 / 11 = 5 / 11। ये मैंने एक वैल्यू निकाली, मुझे नहीं पता ये मैक्सिमम है या मिनिमम, दूसरी वैल्यू निकालूंगा उससे सब समझ आ जाएगा। दूसरी वैल्यू के लिए x को -2 रखूंगा तो -4 - 8 + 3 - 5, तो 1 - 6 / -5, तो ये आ जाएगा फाइनली -(-+) 11/5, यानी दूसरी वैल्यू मेरी आ गई 11/5, 1 + 6/5 ऐसा आया था। तब आप खुद ही देख रहे हो 5/11 छोटा है और 11/5 बड़ा है, यानी ये मेरी मिनिमम वैल्यू है, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, इज दैट क्लियर। अब इन दोनों का जो सम है मिनिमम और मैक्सिमम का, वो है m/n, तो यानी कि 5/11 + 11/5, ये मेरे को सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 146 आ जाएगा, 121 + 25 / 55, तो ये मेरा हो गया m, ये मेरा हो गया n, तो मेरे को फाइंड करना है m + n, तो 146 + 55 बनेगा 201 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, जिसके अंदर हमारा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी कवर हुआ है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल 10th क्लास का जो क्वेश्चन होता ना वैसा ही था, क्वेश्चन में दिया था 2 और 6, ये दो रूट हैं एक इक्वेशन के, और इक्वेशन ये वाली है ax² + bx + 1 = 0, तो आपको वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट है 1/2a + b और 1/2b + a, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन था, हो सकता थोड़ा बहुत इधर उधर हो, पर एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जिस इक्वेशन के रूट 2, 6 हो वो इक्वेशन होगी x² - √(sum) + √(product) = 0, और इस इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर 1 दे रखा है, तो मुझे भी यहाँ 1 लाना पड़ेगा, तो 12 से डिवाइड कर दो तो 1/12 x² - 2/3, 8/12 करा तो 2/3x + 1 = 0, तो यदि मैं कंपेयर करूँ इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से
तो ए आ गया मेरा 1/12, बी आ गया मेरा -2/3, ठीक है। तो बी की जगह मेरा है -2/3, बस ए और बी पता चल गया, तो ये भी पता चल जाएगा कितना है 1/2a+b, तो 2 × 1/12 + b यानी कि -2/3, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/1/6 - 2/3 यानी कि एलसीएम 6 1 - 4, तो 1/-3/6 -2 आ जाएगा फाइनली, ठीक है। इसी तरह से ये भी फाइंड हो जाएगा और दोनों रूट पता चल गया तो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बड़े आराम से बन जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स बेज रूल से रिलेटेड, बेज थ्योरम से रिलेटेड था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि बेज रूल या बेज थ्योरम बहुत ज़्यादा किसी को आती हो तो वो क्वेश्चन कर पाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया था कि एक बैग है ए, इसके अंदर 7 red 5 black ball है। दूसरा बैग है बी, इसके अंदर 5 red 7 black है। तीसरा है जिसमें 6 red 6 black है। क्वेश्चन में दिया था कि रेंडमली हमने एक बैग चूज किया, ब्लैक बॉल निकली, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बैग ए से निकली हो जबकि वो क्या थी, ब्लैक थी, है ना। तो हम बेज रूल से जब इसको करते हैं तो हम ऐसा करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए बैग को चूज करें और उसमें से ब्लैक बॉल निकालें डिवाइडेड बाय ब्लैक बॉल निकालें, और ब्लैक बॉल निकालना तीन तरह से पॉसिबल है, ए बैग चूज करें और ब्लैक बॉल निकालें, प्लस बी बैग चूज करें और ब्लैक बॉल निकालें, है ना, या सी बैग चूज करें एंड ब्लैक बॉल निकालें। बैग ए को चूज करने का चांस है 1/3, ब्लैक बॉल निकालने का 5/12, है ना। नीचे भी सब जगह 1/3 तो आएगा ही, बैग ए को चूज करना, बैग बी को करना, बैग सी को करना, तो 1/3 तो मैं लिख ही लेता हूँ, अंदर आ जाएगा 5/12 प्लस इधर ब्लैक कितनी है 7, इधर ब्लैक कितनी है 6, है ना। तो ये मेरा कैंसल हो गया 1/3 से 1/3, तो ऊपर तो आ गया 5/12 और नीचे आ जाएगा 5 × 7 = 18/12, 12 से 12 कैंसल, फाइनली आ गया 5/18। तो मैं तो कहता हूँ कि इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे ही सोचो कि यहाँ 5 black है, यहाँ 7 है और यहाँ पे 6 है, तो 5, 6, 7 का टोटल 18 ही आना है, उसमें से मेरे को ये वाले ए में से आनी चाहिए वो 5, तो कॉमन सेंस भी लगाएं तो 5/18 मेरा आंसर आ गया। आई होप मेरी बात आपको समझ आई हो। तो गाइज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को बने रहिएगा ताकि और भी इनपुट्स आपको मिलते जाए। थैंक यू सो मच।